उस वो ऐसा हुआ था कि मैं पीएसएल के मैचेस खेल रहा हूं और जो यंगस्टर होता है तो उसको हमेशा ये होता है कि यार वो अच्छा परफॉर्म करे, तो एक दो मैच में पहले मुझसे अच्छा परफॉर्म नहीं था हुआ, तो उस मैच में मैंने एक दो अच्छे शॉट मारे तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि यार अब मैं शायद बड़े रन करूँ, तो मैंने उनसे एक बॉल पहले उनको सामने छक्का मारा तो नेक्स्ट बॉल पे मैं आउट हो गया और मैं उसी दुख में आउट होने के दुख में खड़ा था। मुझसे अभी भी लोग पूछते हैं कि उन्होंने वो क्या बोला था, मुझे नहीं पता क्या बोला था लेकिन उन्होंने पवेलियन की तरफ जाने का इशारा किया था, तो मुझे भी अभी भी लोग पूछते हैं कि वो क्या था, लेकिन वो मैं अपने दुख में खड़ा था कि यार मैं आउट हो गया। और आगे से मैं बताता हूं, लेकिन उसमें आगे से एक चीज और भी थी, एक चीज और भी थी उसमें, उससे ये पता चलता है कि बेशक आप किसी लेवल पे भी खेल रहे हो, बेशक सीनियर है जूनियर है जो भी है, जब आप मैच में हो तो आप एक कंपटीशन है और उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, आप अपना अच्छा करने आए हो वो अपना अच्छा करने आए हो, तो इससे मुझे ये पता चला कि अगर कोई सीनियर भी है तो वो भी आपको इजी नहीं लेता। अब मैं इस बारे में ऐड कर रहा हूं, इसमें ये था, इसमें ये था कि शायद भाई ने इसको जब बोला ना बहुत अग्रेसिवली, तो मैं कराची किंग्स में था तो ये मुल्तान सुल्तान में था, तो मैं सेम टीम में था शायद भाई, तो शायद भाई ने जब इसको बोला और ट्विटर पे ना लोग सारे, इसने ना एक ट्वीट की थी तो वो ट्वीट हम नहीं करवाई थी बेसिकली, शायद भाई ने जब बोला ना तो लोगों ने बहुत कहा कि ये एक यंगस्टर है शायद अफरीदी को ऐसे नहीं था करना चाहिए ये वो, हमने ट्वीट मिलकर ट्वीट की कि स्टिल ही इज माय हीरो ये ऐसे वैसे ना, तो इसके बाद शायद भाई ने रिप्लाई किया इसको ट्वीट को ना, तो अपोलोजाइज किया। नेक्स्ट डे हम दुबई में स्विमिंग पूल पे थे, स्विमिंग कर रहे थे मैं और सैफ, तो उधर से शायद अफरीदी आई मेरे पीछे छुप गया, कहता हूँ शायद भाई आ गए, मतलब कुछ नहीं होता, ये He was scared of him. He was so scared. मुझे क्या बोलेंगे तूने क्यों ट्वीट किया।